आज के समय में छोटे बालों का फैशन है और बड़े बालों का भी, लेकिन सैनिकों के बाल हमेशा छोटे ही क्यों रहते हैं और इनकी कटिंग एक प्रकार की ही क्यों होती है? सभी सैनिकों के बाल एक ही तरह के कट में क्यों रहते हैं? ये बात बहुत लोगों को तो पता होगी जिनके घर में कोई आर्मी में होंगे, पर बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आर्मी चाहे इंडियन हो या किसी भी देश के, उनके बाल छोटे क्यों होते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि सैनिकों को अपने रणभूमि में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है। युद्ध के दौरान उन्हें सिर पर हेलमेट और कई प्रकार के गैजेट्स भी पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लंबे बाल तकलीफ का कारण बन सकता है। गर्मी भी न लगे इसलिए उनके बाल को छोटा रखा जाता है, ताकि वह गैजेट या हेलमेट से इरिटेट ना हो। जब सैनिक बंदूक से निशाना लगाते हैं तो इसके लिए उन्हें बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, और निशाना लगाते वक्त बाल एक बाधा बन सकता है, इसलिए बालों को छोटा रखा जाता है। बाल अगर बड़े होंगे तो हो सकता है कि निशाना लगाते वक्त बाल आंखों के सामने आ जाए। बालों के बंदूक में गिर जाने से बंदूक भी खराब हो सकती है। यह माना जाता है कि छोटे बाल बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, और सैनिकों को कई बार नदी नाले और बारिशों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लंबे बालों की वजह से सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन छोटे बाल रहने पर वह इन खतरों से बच सकते हैं। खैर, बाल छोटे हो या बड़े, पर असली खतरों के खिलाड़ी तो हमारे सैनिक के जवान ही हैं। दोस्तों, इस तरह के सवाल अगर आपके दिमाग में भी आते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल आखिर क्यों को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।